प्लीज वेलकम टू माय चैनल प्रियास ब्यूटी जोन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक स्पेशल वीडियो, यानी कि सन टैन रिमूवल एंड डी पिगमेंटेशन वीडियो। गर्मियां है ना, तो हमें सन टैनिंग तो हो ही जाती है, क्योंकि हमें बाहर जाकर दिन भर बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हमारे चेहरे पर आ जाती है डलनेस, हमें हो जाती है बहुत ज़्यादा सन टैनिंग, सन बर्न, और हमारा चेहरा और हमारी बॉडी जगह जगह से पड़ जाती है काली। तो उसके लिए मैं आज ये स्किन केयर रूटीन शेयर आपके साथ करने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत इजीली अपने सन टैन को रिमूव कर सकती हैं अगर आप इस रूटीन को अपनाती हैं कम से कम हफ्ते में दो बार। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी ऐसी जगह पर घूमने गई हूँ जैसे कि गोवा, अंडमान निकोबार, जहाँ से वापस आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सन टैनिंग हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ बीचेस पे घूमते हैं धूप में। अगर आप घूमने ना भी जाएं, तो भी अगर आप इंडिया जैसी जगह पे रहते हैं जहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो सन टैन तो एक आम प्रॉब्लम है। तो सन टैनिंग यानी हमारे शरीर के रंग का थोड़ा काला पड़ना, क्योंकि वो सूरज की किरणों की वजह से जलने लगता है। ऐसे सन टैन को रिमूव करने के लिए अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन में थोड़े से चेंजेस ले आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके टैन को रिमूव करने में हेल्पफुल हों, तो वाकई ही आप बहुत ही इजीली इस टैन से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आज ऐसे ही कुछ अच्छे से प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ अपने सन टैन रिमूवल के लिए जब भी मुझे टैनिंग हो जाती है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यूजफुल। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, और मेरे चैनल को स्क्रॉल करके जरूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई ना कोई तो आपके काम का जरूर निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस ऑर्डर में यूज करती हूँ सन टैन रिमूवल के लिए। तो सबसे पहले हम अपना फेस क्लीन करेंगे, तो क्लेंजिंग इज द फर्स्ट स्टेप। उसके लिए मैं ये पाउडर फेस वॉश ले रही हूँ जो मैंने घर पे बनाया है, DIY फेस वॉश। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनाया तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं इसका वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही बढ़िया फेस वॉश है और इससे आपकी सारी टैन भी रिमूवल होता है, आपकी स्किन की ब्राइटनिंग भी होती है, एक्सफोलिएशन भी हो जाती है इसके साथ माइल्ड वाली, तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। इसको पूरे फेस पर वेट करके लगाएंगे हम, और उसके बाद हल्का हल्का मसाज करते हुए फेस वॉश के साथ, जैसे हम सर्कुलर मोशन में अपना फेस क्लीन करते हैं ना, बस वैसे ही हम फिर फेस को वॉश करके पैट ड्राई कर लेंगे और आपको काफ़ी क्लीन लगेगा आपका फेस। अब अगला स्टेप है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के लिए मैं ले रही हूँ ये प्रोडक्ट जो कि है बायोटीक का हर्बल प्रोडक्ट। दिस इज़ बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग स्क्रब और बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ रखता है ये। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पपाया के अंदर विटामिन ए और पपाइन एंजाइम होता है जो हेल्प करता है आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में, और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, उसके ऊपर से पिगमेंटेशन हटाता है, टैन को रिमूव करता है। तो पपाया के अंदर इतनी वंडर क्वालिटीज़ हैं कि अगर आप सिर्फ एक पपाया को लेकर भी अपना फेस पैक बनाएं या फेशियल करें, तो आपका सन टैन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो स्क्रबिंग करने के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब मेरे सारे ओपन पोर्स जो है वो अनक्लॉग हो चुके हैं। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं हम, जो है फेस मास्क। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ बायोटीक का फेस मास्क, विच इज़ अगेन पपाया रिवाइटलाइजिंग डी पिगमेंटेशन फेस मास्क। तो जब मुझे टैनिंग होती है ना, तो मैं तो इसी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देती हूँ, और मुश्किल से 4 से 5 बार अगर मैं इसे टोटल कर लूँ 2 वीक्स के अंदर, तो मेरी सारी सन टैनिंग जो है वो अच्छे से हट जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया फेस मास्क है और मैंने खुद यूज़ किया है इसे इतनी बार, इसलिए मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपको हाल ही में टैनिंग हुई है ना, सन टैन, मतलब ऐसी पक्की पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रही जो सालों पुरानी है, उसे भी अगर आप इस स्किन केयर को अपने रूटीन में लेकर आते हैं, तो वो धीरे धीरे लाइटन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमें बाहर धूप में काम करने से या जाने से सनबर्न और सन टैन होता है ना, उसको रिमूव करने में ये सुपर इफेक्टिव है। अगर आप ये सब चीज़ें ना भी यूज़ करो ना, कच्चा पपीता और उसका पील लेकर भी 30 मिनट्स तक उसके साथ अपना फेस पर कुछ स्किन केयर करो, तो उससे भी बहुत बढ़िया तरीके से आपका सन टैन रिमूव हो जाता है। तो फेस वॉश कर लिया हमने फेस मास्क के साथ, और अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, टोनिंग। टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं हमेशा बताती हूँ आपको, जो आपके पोर्स अनक्लॉग हुए हैं और क्लीन हुए हैं ना, उनको वापस श्रिंक करना है नॉर्मल साइज़ पर। तो एक कॉटन बड पे मैंने हिमालय का हर्बल्स रिफ्रेशिंग एंड क्लैरिफाइंग टोनर लिया है। आपके पास जो भी अच्छा टोनर हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ हैं, इससे ये आपके फेस पर अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी हो, पोर्स के अंदर जाने वाला बैक्टीरिया वगैरह, उसे भी अच्छे से क्लीन कर देता है और आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करके सारा रेजिड्यू हटा देता है।
फिफ्थ स्टेप है सीरम। तो मेरे पास तीन सीरम्स हैं, एवर यूथ का टैन रिमूवल सीरम विद चॉकलेट एंड चेरी, नायका का ये स्किन सीक्रेट शीट मास्क है विद गूसबेरी एंड पपाया, और थर्ड है गुड वाइब्स का टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सीरम। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एवर यूथ का टैन रिमूवल सीरम यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर चेरी और चॉकलेट है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं आपकी स्किन को नरिश करने के लिए और उन्हें वाइटन और ब्राइटन बनाने के लिए। तो ये एक ट्रांसलूसेंट सा क्रीम टाइप सीरम है, इसको मैंने अपने पूरे फेस पर लगाकर अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करनी है जब तक ये मेरे स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो यही है मेरी स्किन केयर रूटीन जो मैं टैन रिमूवल के लिए फॉलो करती हूँ और ये सुपर इफेक्टिव रहती है मेरे लिए। आई होप आपको भी ये हेल्पफुल लगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरा सन टैन रिमूवल स्किन केयर, ये मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जब भी मैं किसी ऐसी जगह से घूम कर आऊँ जहाँ से मुझे सन टैनिंग हो जाए या फिर यूं ही गर्मियों में सन टैनिंग हो जाए, तो मैं इसे हफ्ते में 2 बार अपनी रूटीन में ज़रूर इंक्लूड कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे चेहरे से टैनिंग काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है और मेरे चेहरे पर वापस आ जाता है एक रेडियंट ग्लो। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट्स यूजफुल रहेंगे। लेकिन याद रखिए, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट परचेज कर रही हैं, चाहे उस पर लिखा हो कि वो हर्बल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तब भी आप उसका एक पैच टेस्ट जरूर कर लें। हो सकता है किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी हो, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो, इसलिए पैच टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वैसे ये बहुत ही इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन है, अगर आप इसे फॉलो करती हैं और आपको फायदा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि और लोग भी उसे पढ़ें और उसका फायदा उठा सकें। चलिए मिलती हूँ आपको एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी समर्स। बाय।